ठीक है ना, बहुत अच्छी बॉडी का यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना। स्टेप टू फॉलो किया जो कि हमारा मनी मैनेजमेंट। फिर दिमाग लगाओ, यहाँ पे क्या बना, हाफ शेडो, हाफ ऑफ द केसेस पे आपको देख सकता है प्रॉफिट, बट लास्ट पे आपको लॉस ही दिखेगा। राम राम डियर ट्रेडर्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो पे। और ट्रेडर्स, आज की वीडियो पार्ट टू है किसका, ज़िगज़ैग पैराबोला का, ठीक है। और आप लोग से बात करते करते मैं यहाँ पे अब के लिए ट्रेड ओपन करूंगा। थोड़ा सा नेटवर्क का इशू है, उसको अपन शॉर्ट आउट कर लेते हैं। सो यहाँ पे मार्केट निकल चुका है, बट उसके बाद भी मैं एक मिनट के लिए ट्रेड ओपन करूंगा यहाँ पे अप डायरेक्शन पे। ओके, क्या देखते हो ट्रेड ओपन करा, तो मैं बता दूं, मैं गाइस अभी ज़िगज़ैग के साथ एक और चीज यूज कर रहा हूँ। आप लोगों के बहुत ज्यादा कमेंट आ रहे थे कि सर आप ज़िगज़ैग पैराबोला के ऊपर ही बनाते हो, तो एक और चीज यूज करो या फिर कुछ और यूज करके बताओ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं दो चीज यूज कर रहा हूँ। ओके, फर्स्ट है गाइस हमारा स्टॉस्टिक और सेकंड है गाइस हमारा एमएसडी, ठीक है। एमएसडी पे मैंने हिस्टोग्राम वगैरह अप्लाई नहीं करा है, एमएसडी को मैंने जस्ट नॉर्मल रखा है। सो यहाँ पे गाइस मैं आप लोगों को इंडिकेटर्स को बताऊंगा नहीं कि किस प्रकार से आपको देख के ट्रेड ओपन करना है, ठीक है ना। यहाँ पे पिछली जो वीडियो मैंने अपलोड करी थी वहां पे मैंने आप लोग को बोला था कि आप लोग मुझे बताइए कि मैंने क्या देख के ट्रेड ओपन करा। बहुत लोगों ने उसका गलत रिप्लाई दिया, बहुत लोगों ने उसका गलत कमेंट करा, ठीक है, कि आपने ये देख के ट्रेड ओपन करा, वो देख के ट्रेड ओपन करा, ठीक है। तो मैं बता दूं कि मैंने क्या देख के ट्रेड ओपन करा, ओके, बिकॉज उसी का पार्ट टू है, मैं जस्ट उसके बाद शूट कर रहा हूं, ठीक है, ताकि मुझे समझाने में आसानी हो। ओके, सो गाइस यहां पे देखो, हमने यहां पे ट्रेड ओपन करा। ओके, इस डायरेक्शन पे जो हमने ट्रेड ओपन करा क्या था, सबसे पहले आप ये देखो कि यहां से पिछला जो मार्केट था, अगर हम उसका स्टॉस्टिक देखें तो स्टॉस्टिक बहुत ज्यादा हाई लेवल पे था, ठीक है, मतलब कि 18 के अबव था और वो क्रॉस करने वाला था, मतलब कि एक दूसरे के यहां पे पास था। ओके, उसको छोड़े तो यहां पे पहले देखो कि उससे पहले क्या बना, उससे पहले गाइस यहां पे एक ग्रीन कैंडल बना बहुत बड़ा, ठीक है ना, बहुत अच्छी बॉडी का यहां पे ग्रीन कैंडल बना। उसके बाद हाफ शैडो हाफ बॉडी का यहां पे ग्रीन बना। फिर दिमाग लगाओ, यहाँ पे क्या बना, हाफ शेडो हाफ बॉडी का यहाँ पे रेड बना। उसके बाद क्या बना, उसके बाद एक फुल बॉडी का यहाँ पे रेड बना। तो जाहिर सी बात थी कि मार्केट को जाना नीचे था, ठीक है, क्योंकि मार्केट अपने आप को दोहरा रहा है, बट किसमें दोहरा रहा है, मार्केट अपने आप को रिवर्स कर रहा है। जो शेडो या फिर जो कैंडल उसने अप जाने के लिए पहले बनाया था, वो अब डाउन जाने के लिए बना रहा है, ठीक है ना। उसके साथ साथ गाइज मैंने यूज करा था स्टॉस्टिक भी, और एमएसडी को मैंने उतना ज्यादा महत्व नहीं दिया था, बट मैंने यहाँ पे स्टॉस्टिक को दिया था। सो अभी की जो ट्रेड है वो हमारी लॉस गई है। ओके, कोई नहीं, किसी और पे ट्राई कर लेंगे। सात वीडियो में डालूंगा, सात अलग अलग दिन, आप लोग कमेंट करके बताना, ठीक है, आपका ओपिनियन देना कि ज़िगज़ैग आपको कैसा लग रहा है। ओके, यहाँ पे ज़िगज़ैग बना नहीं है, फुल चांस है ज़िगज़ैग बनने का। दो ट्रेड मैं ओपन करूंगा दो मिनट का, ठीक है, ज़िगज़ैग बना नहीं है, बट अब यहाँ पे ज़िगज़ैग बनेगा, ठीक है ना, देखना। और अगर ज़िगज़ैग नहीं बनेगा तो इसको हम लैगिंग कैंडल बोलेंगे, लेकिन जैसे कि मैंने बोला ज़िगज़ैग बनेगा, बन गया। ओके, अब यहाँ पे कई लोग को कंफ्यूजन रहेगा, भाई देखा क्या, है ना, आप लोग का क्वेश्चन तो वही रहता है ना कि भाई देखे क्या। तो भाई मेरे, ये देखो, ज़िगज़ैग पहले नीचे के लिए बन चुका है, उसके बाद एक कैंडल बन चुका है अप डायरेक्शन पे, सेकंड कैंडल बन रहा था, सेकंड कैंडल क्या है हमारा, रनिंग है, ठीक है ना, रनिंग कैंडल है। और रनिंग कैंडल के बीच में जब आप ट्रेड ओपन करते हो तो 100% चांस रहता है कि उस वाली कैंडल पे आप लोगों को ज़िगज़ैग बनता हुआ दिखेगा, जो कि यहाँ पे दिखा, ठीक है ना। आपको मेरे मोस्ट वीडियोस पे जहाँ पे मैंने ज़िगज़ैग यूज किया है वहां पे आपको ऐसा ही दिखेगा जब मैं कैंडल के बीच में ट्रेड ओपन करता हूँ, ठीक है ना। अभी देखो, अभी यहाँ पे हो सकता है कि ये रेड बना है, क्या है गाइस, मार्केट एनी टाइम ऐसा नहीं जाएगा, वो बीच में ऐसा भी होगा, धड़ से नीचे भी होगा, ठीक है, उसके बाद फिर से बाउंस बैक कर सकता है, ठीक है ना। पूरा प्राइस का खेल है, आपको आगे पता चलेगा अगर आप कमेंट करोगे इस वीडियो पे। अगर मिनिमम 50 कमेंट्स मिल जाते हैं कि भाई प्राइस एक्शन के बारे में वीडियो लेके आओ, प्राइस एक्शन को कैसे जज करना है, तो फिर मैं इसके बारे में वीडियो लेके आ जाऊंगा। ओके, सो गाइस यहाँ पे हमारे पास अभी 40 सेकंड लेफ्ट है और मार्केट अटक चुका है, मेरे को भी नहीं पता कि हो क्या रहा है, तो रिफ्रेश करके देख लेंगे, बिकॉज यहाँ पे नेट का थोड़ा सा शॉर्ट आउट चल रहा है गाइस, तो इसको थोड़ा सा इग्नोर करना। बाकी गाइस मैं बता दूं, अगर अभी तक आप हमारे पब्लिक ग्रुप से ज्वाइन हो तो ये हमारे पब्लिक ग्रुप के सेशन के रिजल्ट्स है, यहाँ पे आप फीडबैक्स वगैरह चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे गाइस हम डेली का 1 से 10 फ्री शॉर्ट आउट सिग्नल आप लोगों के लिए प्रोवाइड करते हैं, वहां पे ज्वाइन होकर आप डेली का अच्छा खासा अमाउंट जनरेट कर सकते हो, कहीं पे भी आपको दूसरे ग्रुप पे जाने की जरूरत नहीं है। और अगर आपको वीआईपी सर्विस चाहिए तो वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा दिया जाएगा हमारे थ्रू। कभी किसी को पैसों के लिए या फिर अकाउंट होल्डिंग के लिए मैसेज नहीं किया जाता, तो प्लीज उन सब चक्करों में मत पड़ना। ओके भाई, मैं पहले से आप लोग को बता देता हूँ कि हमारी कोई पैड सर्विस बिल्कुल भी नहीं है। सो यहाँ पे हमने जो देखते हुए ट्रेड ओपन करा था वो हमारा प्रॉफिट गया, एक हमारा ट्रेड लॉस गया था। उसके बाद हमने क्या करा, हमने हमारा स्टेप टू फॉलो किया जो कि हमारा मनी मैनेजमेंट, ठीक है। एक लॉस जाता था, उसके बाद उसका जो सेकंड ट्रेड है वो डबल अमाउंट की ट्रेड प्लेस करना है, लेकिन मार्केट को देखते हुए, ठीक है ना भाई। कई लोग यहाँ पे मार्टिंगल पे आ जाएंगे, मार्टिंगल पे मेरे को क्या करना था,
मार्टिंगल पे करना था, एशिया कंपोजिट इंडेक्स पे अप डायरेक्शन पे ट्रेड ओपन करना था डबल अमाउंट, उसको बोलते हैं मार्टिंगल। सेम जैसे कि क्लोज हुआ लॉस हुआ, सेम आपको ट्रेड ओपन करना है, बट वो बहुत ज्यादा बेवकूफी भरा ट्रेड है। हाँ, मोस्ट ऑफ द केसेस पे आपको देख सकता है प्रॉफिट, बट लास्ट पे आपको लॉस ही दिखेगा, ठीक है, तो उससे बचना। सो यहाँ पे हमारा जो सेकंड ट्रेड था वो प्रॉफिट में गया बेसिक डॉलर इंडेक्स पे, एंड इस वीडियो को मैं यहाँ पे क्लोज करो, इसकी नेक्स्ट वीडियो अपन किसी और दिन अपलोड कर देंगे, ठीक है। बहुत जल्द हमारा कार आ रहा है, ठीक है ना, बहुत जल्द, तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हो कि कौन सी कार है, ठीक है, महिंद्रा की है, ओके। आप लोग कमेंट करके बताना कि कौन सी कार है महिंद्रा की, कार है स्कॉर्पियो का जो टॉप मॉडल है अभी, स्कॉर्पियो NZL टॉप एंड टॉप मॉडल लग्जरी सेगमेंट का, या फिर XUV700 है, ठीक है। कमेंट करके जरूर बताना, और आपको क्या लगता है कि हमें कौन सी कार परचेस करनी चाहिए वो भी कमेंट करके जरूर बताना, ओके। मुझे आप लोग के कमेंट का इंतजार रहेगा। बाकी का जिन भी लोगों को नहीं बताता मैं बता दूं, यूट्यूब पे अभी हमारा गिव अवे चल रहा है 7000 रुपीज का। जैसे हमारे यूट्यूब पे 7000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होंगे, हम आप लोगों के लिए 7000 रुपीज का गिव अवे लेके आएंगे, जो कि हम देने वाले हैं गाइस 7 लोगों को, ओके। 1000 रुपीज 7 लोगों को गिव अवे मिलने वाला है, ये किसी को भी मिल सकता है, ऐसा नहीं है कि आपको ही मिलेगा, मैं किसी को आश्वासन नहीं दिला सकता, किसी को भी मिल सकता है, ओके। आई होप आप लोग को आज की वीडियो पे मजा आया होगा और देखने को मिलेगा कि भाई हाँ एक्चुअल में ये वर्क करता है, ओके। बाकी गाइस इस वीडियो को अपन यहीं पे क्लोज करते हैं, वीडियो पे नया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और बगल में जो बेल नोटिफिकेशन का जो बटन आएगा उसको प्रेस करके ऑल पे जरूर क्लिक कर देना, ताकि जब भी हम वीडियो डाले वो आपके पास पहुंच जाए, ओके। बाकी हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो के नए टॉपिक में, तब तक के लिए गुड बाय, लव यू ऑल।